स्माइला अशरफ है। कल दिन 12:30 और 1 के दरमियान मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी, मैंने बाजार जाना था। मेरे सामने गाड़ी में मियां अब्दुल मतीन, मौजूदा हुकूमत पीटीआई का ये बासर शख्सियत है, ये मुसलसल अपनी गाड़ी में बैठा मुझे गंदे इशारे कर रहा था। मैंने इसको इग्नोर करके मुंह दूसरी तरफ कर लिया तो ये अपनी गाड़ी से उतर के आया है और मेरे साथ इसने हाथापाई शुरू कर दी। मेरा स्वेटर फाड़ दिया, मुझे थप्पड़ मारे, मेरे पेट में टांगे मारी है। मेरे हस्बैंड आए मुझे बचाने, इसने उनको भी नीचे गिरा लिया। इसके 5 गार्ड आ गए, उन्होंने मेरे हस्बैंड के बाजू पकड़ लिए और मुक्के मारने शुरू कर दिए। मैंने बचाने की कोशिश की तो इसके घर से इसका बड़ा भाई जावेद इकबाल सऊदी अरब से आया, वो आके उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिया और मेरा यहां गला उसने पकड़ लिया। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया लेकिन किसी ने हमें नहीं छुड़वाया। इसी दौरान मेरा ड्राइवर आया गफूर अहमद, उसने मुझे छुड़वाया इनसे। मेरे वालिद साहब आ गए घर से शोर शराबा सुन के, हम दोनों को छुड़वाया। मेरे हस्बैंड के पूरी शर्ट फाड़ के नंगा कर दिया। हम इसी हालत में थाने गए हैं बुरेवाला के, वहां थाने वालों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी मेडिकल करवा ले जाके, मेडिकल करवाया। 24 घंटे से ऊपर हो गए, हमें मेडिकल की कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। वहां से पूछ के हैं, उल्टा इसने अपनी जाके फेक रिपोर्ट बना ली है कि इसके सर पे फ्रैक्चर आ गया है और हमारे ऊपर नॉन अवेलेबल एलिगेशन लगा दी है। डीपीओ विहाड़ी गए हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। हमारी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। मुझे, मेरे शौहर शहजाद इस्मत और मेरे तीनों बच्चों को मियां अब्दुल मतीन, मौजूदा हुकूमत का बाअसर शख्सियत है ये, इससे जान माल और इज्जत का बहुत खतरा है। मेरी वजीर आजम इमरान खान, उस्मान बुज़दार साहब और आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी हेल्प की जाए। मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे खदशा है ये आज रात FIR हमारे खिलाफ करवा के हमें उठवा लेगा। प्लीज मेरी हेल्प करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।